अर्पिता वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स आज मु आपण मानको शेयर करबी आपण माने केमती एही खरा दिन रे एत्ते खरा रे आपण मानको स्किन रे जत्न बहुत भलो रे नै परिबे फ्रेंड्स खरा दिन आसी गलानी खरा दिन रे स्किन रे जत्न नबा निहाति भाबरे आवश्यक शीत दिन हेउ वर्षा दिन हेउ खरा दिन हेउ जे कोनसे सीजन हो सीजन चेंज हेबा सहित आपण को स्किन केयर रूटीन को भी आपण चेंज करबा दरकार हो फ्रेंड्स स्किन केयर रूटीन रो जो स्टेप अछि ताको आपण चेंज करबेनी किंतु आपण केउ टाइप रो इंग्रेडिएंट्स यूज करूछन्ति केउ टाइप रो प्रोडक्ट यूज करूछन्ति जदि आपण घरे इंग्रेडिएंट्स यूज करूछन्ति तेबे खरा दिने कोटा यूज करिवे वर्षा दिने कोटा यूज करिवे शीत दिने कोटा यूज करिवे आको आपण चेंज करंतु कारण सीजन वाइज आपण को स्किन भी मध्य चेंज हुए केते बेले को दिनसटा आपण को स्किन ने सूट करिवो सब बेले कांस्टेंटली गोटे दिनस यूज करंतुनी सीजन वाइज आपण दिनस चेंज करंतु सेई बेले आपण जदि कोनोसी प्रोडक्ट यूज करूछन्ति तेबे सेगुडी का मध्य चेंज करंतु जदि आपण शीत दिने गोटे प्रोडक्ट यूज करूछन्ति तेबे खरा दिने सेटा को चेंज करंतु कारण शीत दिनर स्किन हमर प्रायत ड्राई थाए जोटे कि अपूर्वरु थिला वर्तमान जेतु खरा दिन हेलानी तो खरा दिन रे प्रायत हम स्किन बेसी ऑयली रुही तो सीजन वाइज आपण आपण को स्किन केयर रूटीन चेंज करंतु ता माने न जे स्किन केयर बंद करी देबे स्किन केयर किंतु रेगुलर बेसिक रे करंतु स्किन केयर आपण जदि रेगुलर बेसिक रे करिवे तबे आपण को स्किन मध्ये बहुत भलो रहइबो फ्रेंड्स आगर भी मध्ये मु आपण मानको बहुत गुडै होम रेमेडी देखी छी खरा दिन पई किंतु हां प्रॉपर वे रे स्किन केयर रूटीन शेयर करिनी आज मु आपण मन को प्रॉपर वे रे स्किन केयर रूटीन शेयर करबी आपण माने निश्चय घरे ट्राई करबे आउ त सहित मु सब किछि घर इंग्रेडिएंट्स माध्यम रे स्किन केयर रूटीन शेयर करबी आपण निश्चय ट्राई करबे आउ त सहित आपण जदि चाहु छंती कोनोसी प्रोडक्ट व्यवहार करबा पई खरा दिन रे केउ प्रोडक्ट आपण को स्किन को बहुत भले सूट करबो ते मते कमेंट सेक्शन रे कमेंट करके जणंतु मु आपण मानको नेक्स्ट वीडियो रे निहाति भाबरे शेयर करबी तो फ्रेंड्स आज रे वीडियो डी जदि कहा पई भी हेल्पफुल तिबो तबे तांको सहित निश्चित भाबे शेयर करबी चैनल नु आस्थिले चैनल डी को सब्सक्राइब करके पाकर थिबा बेल आइकन को क्लिक करबे आउ त सहित ऑल बटन डी को निश्चित रूपे क्लिक करनेबे नचेत मोर कोनोसी नोटिफिकेशन पाई परिबेनि ऑल बटन डी को निश्चित भाबे क्लिक करबे तो फ्रेंड्स देर न करी चलो वीडियो डी स्टार्ट करबा फेस को क्लीन करबा पई मु एठरे नै जे गोटे स्पून मुल्तानी माटी आउ ता सहित गोटे स्पून बेसन फ्रेंड्स मुल्तानी माटी हेउ किंबा बेसन हेउ आपण जदि चाहिबे गोटाए दिनस भी नै परिबे आउ सेथिरे आपण ऐड करिवे अल्प टिके हळदी गुंड निहाती रूपे ऐड करिवे आकु आपण मिक्स करिके गोटे डब्बारे मध्ये स्टोर करिके रखि परिबे जेते बेले आपण फेस को क्लीन करबा को चाहिबे सेई समय रे आकु आपण एमती गोटे जागा रे बाहर करि देबे बाहर करके से अल्प टिके पानी मिसे की बहुत भलरे मिक्स करके गोटे पेस्ट बनई देबे या द्वारा आपण आपण फेस को बहुत भलरे क्लीन करि परिबे या द्वारा आपण फेस क्लीन कले आपण फेस रे जेते सब डॉट इंप्यूरिटीज थिबो से सब बहुत भलरे क्लीन हे जिवो आपण मार्केट रे मिलुथिबा फेस वॉश भली यार भी बहुत भलो रिजल्ट पाइबे आउ ता सहित स्किन जदि बहुत मात्रा रे ऑयल बाहरु थिबो स्किन रे पिंपल्स हेउथिबो स्किन बहुत मात्रा रे डल देखाउथिबो बाहरे बुलाबुली करबा द्वारा स्किन जदि बहुत मात्रा रे टैन भी हे जाइथिबो से सब को भी आपण एही फेस वॉश द्वारा बहुत भलरे कम करि परिबे आपण रेगुलरली दिन रे 2 रु 3 थर मध्ये ए फेस वॉश टी व्यवहार करि परिबे स्किन जमा भी हेले आपणकर ड्राई फील हबनी कि स्किन रे कोनोसी प्रकार इरिटेशन मध्ये फील हबनी कारण ए गुडा सब नेचुरल दिनस आपणकर स्किन रे एटा बहुत भलरे काम करिवो आउ त सहित जदि ऑयल हेबा द्वारा स्किन रे बहुत मात्रा रे ऑयल हे जाउथिबो जेतु खरा दिन तो जदि पिंपल्स बाहरुथिबो तबे पिंपल्स रो परिमाण को भी कम करिबारे बहुत भलरे हेल्प करिवो ए टाइप रो फेस वॉश आपण निहाती भाबरे दिन रे 2 रु 3 थर अप्लाई कर परिबे फ्रेंड्स एबे आमे प्रस्तुत करिबा टोनर टोनर प्रस्तुत करिबा पई मो एठरे गोटे जागा रे गोटे ग्लास पानी नै जाउची ई पानीटा को आपण बहुत भलरे फुटिबा को छाडी देबे पानीटा बहुत भलरे फुटी सल्ला परे सेथिरे आपण 2 रु 3 टी लेमन स्लाइस ऐड करनेबे लेंबू को केबे भी हेले चिपुडी के ऐड करिबेनी एमती स्लाइस स्लाइस काटी की 2 रु 3 टी लेमन ना स्लाइस ऐड कर देबे आकु आपण फुटिबा को गोटे मिनिट पूरा छाडी देबे गोटे मिनिट परे एथिरे आपण ऐड करिवे गोटे ग्रीन टी बैग आपण पाखरे जदि खोला ग्रीन टी थिबो तेबे आपण गोटे स्पून ग्रीन टी ऐड करि देबे तो ऐड करिकि आको आपण भी मध्य गोटे मिनिट पर्यंत फुटिबा को छाडी देबे देखिबे गोटे मिनिट परे
या कलरटा टिके चेंज हो आसीबो तो एबे आपण आकु टिके थंडा हेबागु छाडी देबे तापर आकु ओडे बॉटल रे स्टोर करकी रखी देबे आपण बाकर जदि स्प्रे बॉटल थिबो तेबे बहुत भल कथा स्प्रे बॉटल रे आकु आपण छाणी की स्टोर करी देबे जदि नॉर्मल बॉटल थिबो तेबे नॉर्मल बॉटल रे मध्ये स्टोर करकी रखी परिबे तो फ्रेंड्स एथिरे एबे ऐड करिबे एसेंशियल ऑयल आपण ट्राई करिबे एसेंशियल ऑयल ऐड करिबा पई मु एठारे टी ट्री एसेंशियल ऑयल आ लैवेंडर एसेंशियल ऑयल दुईटी एसेंशियल ऑयल देखौछि खरा दिन पई ए दुईटी एसेंशियल ऑयल बहुत भलो तो एठारे मु ऐड करूछि लैवेंडर एसेंशियल ऑयल आपण बकरे जति लैवेंडर एसेंशियल ऑयल की कोनसे प्रकार एसेंशियल ऑयल नथिबो तेबे चलिबो किंतु हां आपण ट्राई करंतु टिके एसेंशियल ऑयल ऐड करिबा पई एसेंशियल ऑयल आम स्किन पई बहुत मात्रा रे भलो तो 2 रो 3 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल ऐड करके आकु टिके बहुत भलो रे शेक कर देबे टिके बहुत भलो रे एंती मिक्स कर देबे तापर एडा को आपण फ्रिज रे 1 वीक पर्यंत स्टोर करके रखि परिबे फ्रेंड्स आपण ए टाइप रो टोनर खास करी खरा दिन रे निहाती भाव रे ट्राई करंतु टोनर यूज करबा द्वारा आम स्किन रो पीएच लेवल बैलेंस रे रुहे स्किन रे जदि आपण गरो पिंपल्स बाहरु थिबो टाइनी बम्स बाहरु थिबो से सब को भी कम करबा रे हेल्प करबो आउ तसे तो स्किन रे जे कोन प्रकार इन्फेक्शन एही टोनर टी आपणको स्किन रो इन्फेक्शन को कम करिवारे बहुत भलरे हेल्प करिवो नियाति भाबरे रेगुलरली आपण एही टोनर टी बहुत भलरे व्यवहार करिपरिबे देखिबे आपणको स्किन रे बहुत भल इम्प्रूवमेंट आपण देखिबाकु पाइबे फ्रेंड्स मु एठरे नेची ग्रीन टी जेउ ग्रीन टी टी को मु टोनर रे व्यवहार करथिली सेही सेम ग्रीन टी टी को भी मु एठरे नेची आपण चाहिले ग्रीन टी रो ए टाइप रो व्यवहार मध्य करि परिबे जदि आपण नॉर्मली रेगुलरली आपण जदि ग्रीन टी भी पिउ छंती तो केबे भी हेले ग्रीन टी टाकु वेस्ट करंतुनी तो ए टाइप रो भी आपण चाहिले व्यवहार करि परिबे ग्रीन टी आम स्किन पई बहुत मात्रा रे भलो आ तसे तो आपण जदि टोनर प्रस्तुत करिनाहंती तेबे आपण नॉर्मली ग्रीन टी रो गोटे स्पून नै परिबे जदि आपण बारे ग्रीन टी रो पाउडर अछि तार भी मध्य गोटे स्पून नै परिबे सेथिरे आपण ऐड करिबे टोमेटो जूस टमाटो जूस ता आपण जूस करिकि ग्राइंडिंग करिकि मध्य ऐड करि परिबे किंतु जेतु आमे टिके एटा फेस रो स्क्रब करूचे तो आपण एई टाइप रो जदि टिके नेबे एथिरे टिके खदड अंश मध्य रहइबो फेस को स्क्रब करि बारे बहुत भल रे हेल्प मिलिबो मु सेति पे आकु केमती चिपुडी कि नै जाइछि तो आकु आपण बहुत भल रे मिक्स करि देबे तो फ्रेंड्स एई टाइप रो स्क्रब आपण निहाती भाबरे ट्राई करंतु ग्रीन टी आम स्किन पई बहुत मात्रा रे भलो जेमिति कि आपण को स्किन रे जदि किछि एलर्जी अछि स्किन रे पिंपल्स अछि टाइनी बम्स अछि ब्लैक स्पॉट अछि डार्क पैचेस अछि ए सब को ग्रीन टी बहुत भल रे कम करिवार हेल्प करे आपण ग्रीन टी फेस रे अप्लाई करबा सहित ग्रीन टी आपण रेगुलरली जदि पिउ छंती तेबे आपण को स्किन पई ग्रीन टी बहुत भल रे काम करबो इंटरनली आपण को स्किन को ग्लोइंग करिवारे हेल्दी करिवारे बहुत भल रे हेल्प करबो ग्रीन टी आपण फ्रेंड्स निहाती भाबरे ट्राई करंतु आपण को स्किन रो समस्त प्रॉब्लम को ग्रीन टी बहुत भल रे कम करिवो आउ त सहित टोमेटो टमाटो भी मध्य आपण को स्किन एथिबा डार्क पैचेस को ब्लैक स्पॉट को ए सब को कम करिवारे बहुत भल रे हेल्प करिवो आपण को जदि बहुत मात्रा रे टैन हे गलाणी से सब को भी कम करिवारे टमाटो जूस बहुत भल रे हेल्प करिवो तो फ्रेंड्स ए टाइप रो स्क्रब आपण वीकली 2 रु 3 थर निहाती भाबरे ट्राई करंतु आ त सहित स्क्रब कला बेले सब बेले बहुत धीरे हाथ रे करिवे केबे भी हेले फास्टली करिवेनी तो ए टाइप रो स्क्रब आपण निहाती भाबरे ट्राई करंतु गोटे मिनिट पर्यंत बहुत भल रे स्क्रब करी फेस टी को बहुत भल रे क्लीन करि देबे देखिबे ए टाइप रो वीकली 2 रु 3 थर कला परे आपण को फेस केते क्लियर आ ग्लोइंग मध्य देखा जीवो फेस पैक टी प्रस्तुत करबा पई मु एठरे नेची गोटे स्पून चंदन पाउडर आ त सहित गोटे स्पून नीम पाउडर फ्रेंड्स चंदन पाउडर आ नीम पाउडर खरा दिन पई आम स्किन पई बहुत मात्रा रे भलो आ सेथिरे आपण ऐड करिवे अल्प टिके हळदी गुंड आ त सहित अल्प किछि लेंबूर रस फ्रेंड्स एई सब जिनस खरा दिन पई आम स्किन रे बहुत भल रे काम करिवो कारण खरा दिन रे खास करी आम स्किन रे बहुत मात्रा रे ऑयल थाए पिंपल्स थाए ए सब जिनस बहुत बाहरी जाए तो आकु आपण जदि चाहिबे नॉर्मल पानी माध्यम रे भी गोटे पैक प्रस्तुत करि परिबे नचेत आपण
ଦହି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିକି ପ୍ୟାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। କ୍ଷୀର ଆଡ଼୍ କରିବେନି, କାରଣ କ୍ଷୀରଟା ଆମର ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ, ଦହିଟା ଆମର ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଭଲ। ତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ, ନଚେତ୍ ଦହି ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ୟାକ୍ ଆପଣ ୱିକ୍ଲି ଥରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ପ୍ୟାକ୍ଟି ଆପଣ ଯଦି ୱିକ୍ଲି ଥରେ ଦୁଇଥର ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ଯଦି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ଲେମିସେସ୍ ଅଛି, ଡାର୍କ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି, ସେସବୁକୁ ବି କମ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍କୁ ବି କମ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ଯଦି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପିମ୍ପଲ୍ସ ବାହାରୁଛି, ଖାସ୍ କରି ପିମ୍ପଲ୍ସ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ୟାକ୍ଟି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ। ନିହାତି ଭାବରେ ପିମ୍ପଲ୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାହାରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ରହୁଛି, ସ୍କିନ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଏଲି ରହୁଛି, ସ୍କିନ୍ରେ ବାହାରୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ ସ୍କିନ୍ରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଟ୍ୟାନ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ତ ସେହିସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ୟାକ୍ ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଲିୟର୍ ଆଉ ଗ୍ଲୋଇଂ କରିବାରେ ବହୁତ ଭଲରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଲଗେଇକି 5-10 minutes ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦେବେ, ତାପରେ ଫେସ୍ଟିକୁ ନର୍ମାଲ୍ ପାଣିରେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ୟାକ୍ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଲିୟର୍ ଆଉ ଗ୍ଲୋଇଂ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ୟାକ୍ଟି ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଟୋନର୍ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଏହି ଟୋନର୍ଟିକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି 1 week ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆପଣ ଟୋନର୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦିନରେ 2-3 times ଆପଣ ଯେତେଥର ଚାହିଁବେ ଟୋନର୍ଟି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ନିଜ ସ୍କିନ୍ରେ। ଫେସ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରବ୍ କରିକି ପ୍ୟାକ୍ ଲଗେଇକି ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ହେଉ ଆପଣ ଫେସ୍ରେ ଟୋନର୍ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ ରୁଟିନ୍ ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ ରୁଟିନ୍ ସେୟାର୍ କଲି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ ଘରେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଖରାଦିନରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଡଲ୍ ସ୍କିନ୍, ଡ୍ୟାମେଜ୍ ସ୍କିନ୍, ଟ୍ୟାନ୍ ସ୍କିନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ବି ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଗ୍ଲୋଇଂ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ କେମିତି ଲାଗିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।